गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1। इसमें प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ फार्मूला है, सूत्र लेंगे जो है। इसमें पहला फार्मूला आपका है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, फिर आपका है sec इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। क्योंकि जो फार्मूला आपका है प्रश्न जो 2.1 आपका है, पहले इसमें जो है स्टार्टिंग से ही फार्मूले का उपयोग होगा। यदि हमको फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन हल हो जाएगा, यदि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हाँ साथ ही साथ इसमें जो है जो साइन कॉस टेन कॉट्स कौशक, तो जो इसका मान होता है यानी जो इसका वैल्यू होता है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, इसको हमको जो है याद करना पड़ेगा। यदि हमको साइन कॉस टेन कॉट्स कौशक की वैल्यू याद हो जाएगी तो हम आसानी से जो प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन यदि नहीं हल याद नहीं पाएगा जो है तो इसको आसानी से हल। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के जो है मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें पहला आपका है साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो जो आपका फार्मूला बताया गया है फार्मूला क्या बताया गया है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए इसी प्रकार आपका ये भी यानी साइन इनवर्स माइनस 1/2 जो है साइन इनवर्स माइनस एक्स की तरह है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, माइनस निकाल दिया जाएगा यानी फार्मूला जो आपका होता है माइनस, फिर लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। अब जो आपका एक्स है तो एक्स के स्थान क्या दिया गया आपका 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 आ रहा ना, फिर देखिए आगे। अब देखिए आपका 1/2 यहाँ पे है तो हमको ये चेक करना है कि जो 1/2 होता हुआ साइन कितने अंश का मान होता है, तो जो 1/2 आपका होता हुआ साइन 30 अंश का मान होता है, तो साइन 30 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। अब यहाँ देखेंगे जो है, देखिए यहाँ पे आपका साइन इनवर्स यहाँ क्या है साइन है, अब जहाँ पे दोनों आपका सेम रहे चाहे अंदर रहे चाहे बाहर उससे मतलब नहीं, जहां दोनों आपका सेम रहेगा वहां ये आपका हट जाएगा केवल कोण को इसे लिख दिया जाएगा, तो यानी ये आपका दोनों निकल जाएगा, यहाँ कितना बचेगा माइनस, ये हो जाएगा पाई बाई 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में दूसरा आपका दिया गया है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। अब देखिए कॉस जो आपका फॉर्मूला बताया गया है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बताया गया है पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे आपका माइनस नहीं है, जब यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा तो सेम प्रक्रिया लगा दी जाएगी, तो सेम प्रक्रिया का मतलब भी आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे जो है कॉस कितने अंश का मान अंडर रूट 3/2 होता है, तो जो कॉस अंडर रूट, जो आपका अंडर रूट 3/2 होता है कॉस 30 अंश का मान, तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 30 को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 6। अब यहाँ देखिए आपका सेम यानी यहाँ कॉस इनवर्स यहाँ क्या आपका कॉस यानी हट जाएगा, कितना बचेगा पाई बाई 6। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वह है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे केवल 2 यानी यहाँ पे माइनस नहीं लगाया गया, इसमें सीधा हम इसको लिख देंगे जो यानी यहाँ से आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स। अब देखिए कोसेक कितने अंश का मान 2 होता है, तो जो आपका साइन होता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो यहाँ से देखिए जो साइन साल साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो जब इसका उल्टा हम करेंगे जो है यानी इसका उल्टा 2 हो जाएगा, यानी कितने अंश का मान हो जाएगा, ये भी 30 अंश का मान हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कोसेक पाई बाई 6। तो यहाँ से देखिए कॉसेक यहाँ भी कॉसेक दोनों आपका सेम है, जब दोनों सेम रहेगा वहां से आपका हट जाएगा यानी कोण कितना बच जाएगा पाई बाई 6। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है टेन इनवर्स माइनस रूट 3,
tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। अब जो फार्मूला आपको बताया गया tan इनवर्स माइनस x बराबर tan इनवर्स माइनस x बराबर तो आपका होता है माइनस tan इनवर्स x। तो सबसे पहले माइनस को बाहर कर लिया जाएगा, यहां लिखेंगे tan इनवर्स, ये क्या आपका हो जाएगा अंडर रूट 3, क्योंकि सीधा हमें इसको फार्मूला पर आ गए, क्योंकि फार्मूला जो आपका होता है होता है tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस tan इनवर्स x। अब यहां से देखेंगे tan कितने x का मान अंडर रूट 3 होता है, तो tan 60 x का मान होता है, इसको लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स, और 60 का मतलब क्या हो जाएगा tan पाई बाय 3। अब यहां देखिए आपका दोनों सेम, यानी यहां भी tan इनवर्स, यहां क्या आपका tan, तो यानी आप पढ़ जाए कितना बचेगा यहां माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपका दिया गया है cos इनवर्स, cos इनवर्स माइनस 1 बाय, अब देखिए आपका cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2, यानी इसका मतलब क्या लिखा गया है cos इनवर्स माइनस x, तो इसका जो फार्मूला होता है होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, यहां लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x का मतलब क्या हो जाएगा 1 बाय 2, तो पाई माइनस cos इनवर्स। अब ये cos जो आपका 1 बाय 2 दिया गया है, ये cos कितने का मान होता है, ये आपका 60 का मान होता है, तो 60 का मतलब हो जाएगा आपका ये पाई बाय 3, यानी इसको लिख सकते हैं cos पाई बाय 3। अब देखिए आपका दोनों यहां पे सेम है, यहां cos इनवर्स, यहां क्या आपका cos है, ये हट जाएगा, तो कितना बचेगा यहां पाई माइनस पाई बाय 3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, जब इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम आपका हो जाएगा 3, तो 3 में हम जो है 1 से भाग करेंगे, 3 में 1 से भाग करेंगे, तो जब हम 3 में 1 से भाग करें कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 पाई माइनस, अब 3 में 3 से भाग करेंगे, जब 3 में 3 से भाग कर दिया जाए कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, और 1 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी ये आपका पाई, अब 3 पाई में से पाई घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 पाई यानी 2 पाई बाय 3, समझ में आ रहा ना। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स माइनस 1, tan इनवर्स माइनस 1 आवा है या आगे वाला है आपका छठवां है, तो tan इनवर्स माइनस, अब देखिए फार्मूला आपका होता है tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस tan इनवर्स x, ये आपका होता है माइनस tan इनवर्स x होता है। अब यहां से देखेंगे कितने अंश, यानी tan कितने अंश का मान एक होता है, तो tan 45 का मान एक होता है, यहां लिखेंगे माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4। अब यहां देखिए सेम आपका, यानी यहां tan इनवर्स, यहां क्या है tan, तो आप हट जाएगा, तो कितना बचेगा यहां माइनस पाई बाय 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सातवां देखिए, इसमें क्या कह रहा है, तो जो सातवां क्वेश्चन आपका है यह sec इनवर्स, sec इनवर्स 2 बटे अंडर रूट 3। अब देखिए sec इनवर्स 2 बटे रूट 3 है, तो यानी sec कितने अंश का मान जो है 2 बटे रूट 3 होता है। अब यहां से देखिए तो हम ये भी जान सकते हैं कि sec का जो उल्टा होता है आपका cos होता है, तो यानी cos cos जो 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो जब हम उसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3, यानी कितने अंश का मान होगा ये cos 30 अंश का, sec कितने अंश का मान हो जाएगा 30 अंश का, यानी यहां लिखेंगे sec पाई बाय 6। अब यहां देखिए आपका दोनों सेम, यानी sec इनवर्स यहां है, यहां आपका sec है, ये दोनों हट जाएगा, कितना बचेगा पाई बाय 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय 6। अगला क्वेश्चन देखिए, जो है अगला क्वेश्चन आपका है cot इनवर्स अंडर रूट 3, cot इनवर्स अंडर रूट 3। अब देखिए यहां पे कुछ नहीं, थीटा एंड बीच में कुछ नहीं दिया गया, यानी सीधा फार्मूला लगा दिया जाए, फार्मूला यहां पे आपका, तो इसमें जो है फार्मूले का विशेष उपयोग नहीं होगा, तो सीधे कर दिया जाएगा, तो cot इनवर्स, अब देखेंगे cot कितने अंश का मान अंडर रूट 3 होता है, तो cot जो है cot यानी cot जो है cot आपका जो है 30 अंश का मान कितना होता है अंडर रूट 3, इसको लिख सकते हैं cot पाई बाय 6। अब यहां देखिए cot इनवर्स, यहां क्या cot, यहां कट जाएगा,
कितना चाहिए पाई बाय सिक्स, ये हो जाएगा पाई बाय सिक्स। नवा क्वेश्चन आपका इसमें है कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू, सॉरी कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू। अब इसमें देखिए फार्मूला आपका होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स का मतलब हो जाएगा वन बाय रूट टू। अब यहां से देखिए कॉस कितने अंश का मान वन बाय रूट टू होता है, तो कॉस 45 अंश का मान होता है वन बाय रूट टू, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय टू, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस। अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स है कि आपका कॉस है, दोनों हट जाएगा सेम है, यहाँ कितना चाहिए पाई बाय फोर। अब इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, एलसीएम आपका चार हो जाएगा। अब चार में एक से भाग करेंगे, चार में जो एक से भाग करेंगे तो चार बार जाएगा और चार का एलसीएम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चार पाई, चार में चार से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और एक का इसमें गुणा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई। घटाइए कितना हो जाएगा तीन पाई बाई फोर एंड थ्री पाई बाई फोर, एंड इसका आंसर हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर। इसी प्रकार जो आपका दसवां क्वेश्चन देखिए, दसवां जो है वह आपका है कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट टू, कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट टू। अब इसमें जो आपका फार्मूला होता है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तो ये होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स, अब देखिए कॉसेक कितने अंश का मान अंडर रूट दो होता है, तो ये आपका 45 अंश का मान होता है, 45 यानी पाई बाय फोर, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाय फोर। अब यहाँ देखिए आपका सेम यानी कॉसेक इनवर्स यहाँ पे क्या आपका कॉसेक है, तो यहाँ दोनों हट जाए कितना बचेगा आपका पाई बाय फोर, यानी सीधा हो जाएगा माइनस पाई बाय फोर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका है 11 वाला क्वेश्चन यानी 11वां क्वेश्चन देखिए, ग्यारह क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपका है टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू। एक बार बोलिए पीछे देखिए जो है टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, तो इसमें देखिए जो फार्मूला आपका होता है वह क्या होता है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स माइनस एक, तो यहाँ पे आपका माइनस आने की यानी सीधा इसको लिख दिया जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ देखेंगे टेन कितने अंश का मान जो आपका एक होता है, तो टेन 45 अंश का मान एक होता है, इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर। अब यहाँ देखिए फार्मूले का उपयोग कर दिया जाएगा, तो फार्मूला आपका होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स सॉरी ये आपका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स वन बाई, तो यहाँ से आपका हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस पाई माइनस। अब यहाँ देखिए कॉस कितने अंश का मान वन बाई टू होता है, तो कॉस आपका जो है जो वन बाई टू होता है वन बाई टू वह कॉस कितने अंश का मान होता है 60 अंश का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई थ्री माइनस कितने अंश का मान होता है वन बाई टू यानी साइन 30 अंश का यानी साइन इनवर्स साइन पाई बाय सिक्स। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अब देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स यहाँ टेन है यानी दोनों सेम है यानी ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा पाई बाय फोर पाई माइनस, अब देखिए ये भी सेम है यानी आपका ये हट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय थ्री, और यहाँ भी सेम आपका यहाँ भी देखिए आपका सेम है यानी माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय सिक्स, तो यहाँ से आपका देखिए दोनों सेम है इसलिए आपका हट जाएगा कितना बचेगा पाई बाई सिक्स। अब देखिए सबको जोड़ लिया जाए, आप पहले इसको हल कर दीजिए जो है
यानि 4 और 1 यानि पाई बाई 4 प्लस पाई, तो पाई बाई 4 प्लस पाई, और यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। अब यहां से देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 में 4 से भाग करके एक बार जाएगा और एक का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी ये होगा पाई। फिर 4 में 1 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई। अब 6 और 3 का एलसीएम ले लिया जाए तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 6 में हम 3 से भाग करेंगे, जब 6 में 3 से भाग कर दिया जाएगा 2 बार जाएगा और 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 2 पाई हो गया आपका। फिर 6 में 6 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी हो गया आपका पाई। जोड़ दीजिए इसको दो, तो 5 पाई बाई 4 माइनस 2 1 3, यानी 3 पाई बटे 6, 3 1 कम 3, 3 2 1 6, कितना हो जाएगा 5 पाई बटे 4 माइनस पाई बाई। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 में 4 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 5 पाई। 4 में 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार गया और 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 2 पाई हो गया, ये पूरा हो जाएगा 3 पाई बटे 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 हो, क्वेश्चन जो 12 का दिया गया है वह है कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहां से देखेंगे जो है कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो जो आपका cos होता है कितने अंश का, cos 1/2 जो आपका होता है वह कितने अंश का मान, पहले इसको चेक करेंगे जो है, तो जो आपका 1/2 होता है 1/2 वह cos 60 अंश का मान होता है, कितने अंश का मान होता है 60 अंश का, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई बाई 3 प्लस ये हो जाएगा 2 sin इनवर्स, ये कितने अंश का मान होता है 30 अंश का, यानी sin इनवर्स साइन पाई बाई 6। अब यहाँ देखिए आपका सेम, यानी यहाँ कॉस इनवर्स यहाँ कॉस, यहाँ पाई जाएगा कितना बचेगा पाई बाई 3 दो गुणे। अब यहाँ भी आपका साइन इनवर्स यहाँ साइन ये भी हट जाएगा, कितना बचेगा दो गुणे पाई बटे 6, दो एक कम दो, दो तिया 6, यहाँ आपका बच जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। अब देखिए दोनों का हाथ समान है, सीधे से जुड़ जाएगा, यानी पाई प्लस पाई बटे 3, ये आपका हो जाएगा 2 पाई बटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 इसमें आपका है यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई तो 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई ग्रेटर देन पाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पाई, इसमें ऑप्शन दिया गया है बी वाला आपका है माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाई, सॉरी ये आपका है माइनस पाई बाई 2 लेस देन एंड इक्वल टू वाई लेस देन एंड इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स बाई वाई दिया गया है, तो जब x को यानी जब साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे आपका हो जाएगा x बराबर साइन इनवर्स, यानी सीधा इसको लिख सकते हैं x बराबर साइन y, तो यानी यहाँ से जब x मान लेंगे तो y मान यहाँ पर बढ़ेगा, तो कहने का तात्पर्य है कि जब इसको हम यानी x का जब वैल्यू यहाँ निकाला जाएगा तो यानी इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 हो सकता है, या फिर जो y का मान होगा वह पाई बाई 2 से क्या होगा छोटा होगा, यानी पाई बाई 2 बड़ा होगा वाला छोटा हो जाएगा, या फिर पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 लेस देन एंड इक्वल टू वाई लेस देन एंड इक्वल टू पाई बाई 2। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।